सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज का टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को तो पता चल ही गया क्या होने वाला है। तो हाँ गाइज, आज हम लोग के साथ है अपाची का 164B। तो स्पेशल थैंक्स टू बीके मोटर्स, सामडी बीके मोटर्स, और मैं शोरूम का डिटेल्स वगैरह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आप लोग डेफिनेटली जाके वहाँ पर भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। कोई सा भी बाइक क्वायरीज बनेगा तो आप लोग वहाँ पर जाके डेफिनेटली चेक कर सकते हो। तो पहले अगर बात करते, मतलब कोई सा भी बाइक हो उसका अगर मतलब लुक और परफॉर्मेंस अगर सही आए तो भाई वो बाइक अभी तक मतलब इस जनरेशन के लिए, यंग जनरेशन के लिए खास करके भाई सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है अपाची। मतलब सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ, मतलब इसका जो टैंक का पैटर्न है या नीचे का इंजन स्काउल का अगर बात करें तो भाई कितना प्रीमियम और स्पोर्टी दिखता है भाई, एक अलग ही लगता है अपाची। मतलब इसका 2V का अगर बात करें या 4V का बात करें तो भाई दोनों ही बहुत एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आता है। इसका पैटर्न दोनों का ही सेम है, बस 2B का हेडलाइट थोड़ा अलग है और 4B का हेडलाइट थोड़ा अलग है। 2B में लाइक सिंगल एग्जॉस्ट मिलता है, इसमें जैसे कि डबल पैटर्न जैसा एग्जॉस्ट मिलता है। मतलब हालांकि ये भी सिंगल एग्जॉस्ट ही है लेकिन इसमें पैटर्न डबल जैसा आता है, इसका थोड़ा एग्जॉस्ट नोज अलग है। और बाकी अगर बात करें तो इस बाइक में भी आप लोगों को ऑल LED सेटअप देखने को मिल जाएगा, विद मतलब इंडिकेटर छोड़ के ऑल LED सेटअप इसमें भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अगर इंडिकेटर का बात करें तो अभी भी इसमें वो हैलोजिन वाला ही इंडिकेटर आता है। तो इंडिकेटर को करते बंद पहले। और ये जो बाइक है ये फिलहाल है सिंगल डिस्क सिंगल चैनल ABS के साथ, और इसका ऑन रोड प्राइस आता है 1,60,000 करीब। तो आप लोग शोरूम विजिट कर लेना, वहाँ पर भी आप लोग पूरा क्वायरीज देखने को मिल जाएगा, डिटेल्स रिव्यू मिल जाएगा। तो फिर भी मैं अगर मीटर का अगर बात करें तो एक बार ऑफ करके ऑन करता हूँ। इधर RPM लाइट है, इधर टाइम वगैरह है, इसमें भी 3 मोड देखने को मिल जाएगा लेकिन फिलहाल ये अभी अर्बन मोड पे है। और मीटर जैसे कि इसमें कनेक्ट नहीं किया है इसीलिए वो रेन और स्पोर्ट्स मोड इसमें अभी नहीं दिखेगा। यहाँ से चेंज होता है, ठीक है, मोड वगैरह कोई सा भी चेंज होगा तो यहाँ से चेंज होता है। इधर आप लोग किल स्विच देखने को मिल जाएगा, ये 4-साइड इंडिकेटर ये लाइट ऑन ऑफ करने का स्विच है। जैसे कि रुको मैं आगे जाके दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये देखो अभी जैसे सिर्फ DRL जल रहा है ना, उसको अगर ऑन करेंगे तब जाके ये लाइट जलेगा, ये देखो। तो ये एक बहुत अच्छा लगता है मेरे को 4B में, मतलब खास करके अगर कोई रोड में आप लोग स्ट्रीट लाइट है तो वहाँ पर आप लोग बंद करके भी चला सकते हो बाइक को, बस सिर्फ DRL जलेगा। और सिर्फ DRL में मैं कसम से बता रहा हूँ बहुत प्यारा लगता है, इसका DRL का जो पैटर्न है ना एक अलग ही पैटर्न है, ये देखो। तो फिर भी अभी मीटर का मैं अगर बात कर रहा था, जैसे कि तो मीटर में और भी आप लोगों को चीज़ें देखने को मिल जाएगा, जैसे कि ओडोमीटर, ट्रिप ए ट्रिप बी, RPM लाइट, फ्यूल फ्यूल का अगर बात करें तो इसमें ये फ्यूल इंडिकेटर है। यहाँ पर साइड स्टैंड देखो, स्टैंड से हटा देंगे तो वो भी हट जाएगा, ये देखो बाइक जैसे कि मैंने स्टैंड से उठा दिया ये रहा, तो स्टैंड वहाँ पर भी गायब हो गया। फिलहाल करते स्टैंड में, इधर का बात करें तो ये रहा पासिंग लाइट, ये हाई बीम लो बीम, इधर इंडिकेटर, हॉर्न। तो अगर हॉर्न का बात करें तो भाई सुन लेता हूँ लाउडनेस इसका, थोड़ा काफ़ी ज़्यादा लाउड है, ड्यूअल हॉर्न के साथ ये आता है भाई, मतलब अलग ही साउंड है। तो अब फिलहाल बात करते इसका एग्जॉस्ट नोट का, तो स्टार्ट करते फिलहाल एग्जॉस्ट से भी। बाइक हो गया न्यूट्रल, देखो यहाँ पर न्यूट्रल का है, फ्यूल का है, और इंडिकेटर वगैरह अगर देंगे तो ये सा। इधर ABS का है, हाई बीम का है, और इंजन ओवरहीटिंग का है। अभी फिलहाल जैसे कि मीटर सेट नहीं है इसीलिए ये सब लाइट जल रहा है ABS और इंजन का, बाकी ये सब बंद होगा। तो फिलहाल अब स्टार्ट करते हैं एग्जॉस्ट को। तो ये रहा विदाउट रेप कुछ इसका ये साउंड है, सुन सकते हो कितना स्पोर्टी साउंड है और कोई भी नॉइज नहीं है। देखो मैं थोड़ा रेप करके भी बता देता हूँ भाई, इंजन से भी एक बार साउंड हम लोग सुन लेते हैं। देख सकते हो इसका परफॉर्मेंस और स्मूथनेस बहुत बढ़िया है। तो बंद करते हैं फिलहाल इसको, और अब बात करते हैं इसका टायर्स का वगैरह। सामने का अगर टायर का बात करें 90/17 अलॉय व्हील के साथ सामने मिलेगा, और पीछे का बात करें तो 110/80 है। हाँ 110/80 17 अलॉय व्हील के साथ। तो दोनों में देखो जैसे कि ये 160 है, आई होप इसमें 120 दे सकता था, ठीक है। जैसे अभी की फिलहाल जो अपाची 2V का अगर बात करें तो उसमें
120 का है। तो देखो एक टायर साइज भी मैटर करता है, मतलब ग्राउंड के साथ जो चिपक के चलता है तो उसमें भी परफॉर्मेंस इनहेंस होता है। लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ 110/70 जो 70 इंच एलॉय व्हील के साथ आता है इसका टायर, ये भी काफ़ी सही परफॉर्मेंस करता है। ठीक है, मैं इससे पहले भी काफ़ी चला चुका हूँ इस बाइक को और बहुत प्यारा बाइक है भाई, देखने में तो एक अलग ही एक फील देता है। और यहाँ का सस्पेंशन का बात करें तो नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा, पीछे का अगर बात करें तो मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा जो कि भाई परफॉर्मेंस भी बहुत सही करता है। और अगर मैं सीट का कुशनिंग का बात करूँ तो ये देखो बहुत सही कुशनिंग है पीछे पिलियन के लिए भी, और सामने का बात करें तो वो भी राइडर के लिए ठीक ठाक कुशनिंग है। सीट का हाइट भी बहुत, मतलब जो यहाँ से यहाँ का लेंथ है आप लोग इजीली मतलब दोनों आराम से बैठ के जा सकते हो। पीछे का ये ग्रैब हैंडल बैटमैन जैसा भाई, बहुत प्यारा है। ये देखो पीछे का अगर टेल लाइट का बात करें तो ये भी LED है, फिर जैसे कि मैंने पहले भी बताया हेलो इंडिकेटर छोड़ के सब कुछ इसमें आप लोगों को LED देखने को मिलेगा। तो चलिए अब आते हैं सीधा हेलमेट सेटअप पे और फिर चलते चलते बात करता हूँ आप लोगों के साथ। तो चलिए फिलहाल आ चुका हूँ मैं हेलमेट सेटअप पे, बाइक को किए ऑन। भाई अलग ही यहाँ से एक फील आ रहा है, पता है ये हैंडल बार मिरर वगैरह में, मतलब इसका भाई क्लच भी बहुत फ्री है। तो चलो फिलहाल इसको करते स्टार्ट और करते आप लोगों के साथ बात चलते चलते। अलग ही इसका एग्जॉस्ट नोट है भाई। तो लेट्स गो गाइस। भाई क्या ही चल रहा है, बाइक मक्खन जैसा भाग रहा है पता है। देखो 110 का टायर था फिर भी मैंने अगर लीन किया तो भाई कुछ इतना दिक्कत नहीं है, कंफर्टेबल इसमें लीन हो गया। भाई साहब कितना ही प्यारा चल रहा है ये बाइक। सच कहूँ तो आपा जी का ये जो 4B का DRL है ना, बहुत प्यारा DRL है, बहुत प्यारा DRL है। और ख़ास करके ये जो ऑन ऑफ का स्विच है, ऐसे मतलब अभी जैसे N160 में आता है ये लाइट ऑन ऑफ का, तो भाई बहुत प्यारा लगता है। दिन में लाइट ऑफ रहता है, सामने वालों को अभी दिक्कत नहीं होता है। तो भाई थोड़ा इसको थोड़ा भगा के देखना है। भाग रहा है पता है इसका एग्जॉस्ट नोट तो भाई मतलब क्या ही बोले। तो आप लोग एक बार डेफिनेटली अगर नया बाइक के तरफ जा रहे हो तो अपाची 4B जरूर से ट्राई कर लेना, ठीक है। 4B एकदम जरूर से आप लोग अगर टेस्ट ड्राइव लेके देखो भाई, मैं बता रहा हूँ कि इसमें आप लोगों को मज़ा आने वाला है, डेफिनेटली मज़ा आने वाला है भाई। फिटिंग वगैरह का अगर भी बात करें इतना प्यारा है यहाँ पर, मतलब जो अनकम्फर्टेबल का फील होता है ना वो सब नहीं है, लाइक शोल्डर पेन या बैक पेन या रिस्ट पेन, ये सब तो आप लोगों को डेफिनेटली झेलना नहीं पड़ेगा। और तब बहुत प्यारा कंफर्टेबल सा हैंडल का भी पोजीशन का अगर बात करें तो बहुत प्यारा हैंडल है इसमें भाई, तब एक बहुत ही मतलब क्या ही कहे भाई, इतना प्यारा हैंडल है ना। और अभी जैसे कि इसका और भी लेटेस्ट वर्जन आ चुका है 4B का, तो आप लोग उसे भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आप लोग 4B ट्राई करो, अगर न्यू बाइक का क्वारी ले रहे हो तो भाई 4B ट्राई करो, मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ। इसमें आप लोगों को वो फील आएगा जो आप लोग चाहते हो भाई, माइलेज मिल जाएगा, लुक भी मिल जा रहा है, तो इसमें भी आप लोग आराम से लाइक 40-45 का माइलेज निकाल सकते हो। तो भाई 160 cc के अंदर अगर 4B में आप लोग इतना सारा माइलेज मिल रहा है तो मेरे हिसाब से बहुत सही। तो थोड़ा सा पहले आगे जाके मैं इसका एक बार ब्रेक का भी टेस्ट कर रहा हूँ, जैसे कि ये सामने सिर्फ सॉरी पीछे ड्राम है, सामने डिस्क है, ठीक है, डिस्क ही ABS है, तो सामने का भी देखेंगे हम लोग और पीछे का भी चेक कर लेते हैं। फिलहाल अभी मैं पीछे का चेक करता हूँ, ठीक है। इसका भी आप लोग वेरिएंट मिल जाएगा, जैसे कि DLD DL चैनल ABS, तो उसका भी वेरिएंट आप लोग को मिल जाएगा। ये फिलहाल सिंगल डिस्क सिंगल चैनल ABS के साथ है। तो कैसा कैसा लोग है भाई, इतना पासिंग लाइट दिए फिर भी हटाया नहीं भाई। चलो थोड़ा फ्रंट ब्रेक का भी हम लोग देख लेते हैं।
टोपी क्या ही रेस्पॉन्स है, कितना क्विक रेस्पॉन्स। देखो फिर से मैं ट्राई करता हूँ, ये देखो भाई कितना क्विक रेस्पॉन्स कर रहा है ये भाई साहब, ये देखो कितना प्यारा रेस्पॉन्स कर रहा है इसमें। तो भाई ब्रेकिंग तो एक नंबर मेरे को लगा भाई। और भी अगर कोई क्वेरीज है आप लोगों के साथ, मतलब आप लोगों के मन में, तो डेफिनेटली मुझे बताना, कमेंट तो आप लोगों के लिए ऑन ही है। तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइज। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाय बाय गाइज़।